नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव समीर आप सभी का इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज शिक्षक राजनीति कुछ इस तरीके से गंदी सोच वाले लोगों का शिकार हो चुका है, जिसमें आम आदमी सर्वाइव करना नहीं चाह रहा है, आम आदमी इसमें सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। आज स्थिति बहुत ही भयावह हो चुकी है। सच कहूँ तो शिक्षक संगठनों की जो स्थिति है, जो समन्वय समिति की स्थिति है, उन सारे में आम शिक्षक अपने आप को फिट नहीं कर पा रहे हैं, ये एक सच्चाई है। हम सभी जिन नेतृत्वकर्ताओं पर विश्वास करते हैं, जिन संगठनों को अपना मानते हैं, आज वह आम शिक्षक के साथ राजनीति के अलावा और कुछ नहीं कर रही है, ये सत्य है। हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से उन्हें ये बात बुरी लगेगी, लेकिन मैं उन सारे संगठन के नेतृत्वकर्ताओं को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाह रहा हूँ। मैं उन्हीं लोगों को खड़ा कर रहा हूँ जो इस तरीके का कार्य करते हैं। एक तरफ हम सभी शिक्षक को यह बताते हैं कि हम समान कम समान वेतन की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी जो मनसा है, कहीं से भी समान काम के लिए समान वेतन के लिए जो लड़ाई है, उस लड़ाई में हम लोग तन मन और धन से सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कटाक्ष एक दूसरे पर हम लोग करते हैं, एक दूसरे को हम लोग कटघरे में खड़ा करते हैं। हमारी जो स्थिति है, अभी हम लोगों को बिहार सरकार से लड़नी है, लेकिन लड़ हम लोग किससे रहे हैं? संगठनों से, संगठनों की कुनीतियों से लड़ रहे हैं। तो क्या इस तरीके से हम लोगों की जो लड़ाई है, क्या वह लड़ाई मजबूत हो पाएगी? क्या इस तरीके से हम लोग समान कम समान वेतन पा सकेंगे? क्या हम लोग इस तरीके से लड़ करके अपने मान सम्मान को पा सकेंगे? मेरे समझ से तो कदापि नहीं। हम एक दूसरे को आपस में विश्वास नहीं पैदा कर पा रहे हैं। हम कभी समन्वय समिति पर उंगली खड़ा कर देते हैं, तो कभी अपने आप को ही समन्वय समिति से ज़्यादा कारगर समझने लग जाते हैं। कभी कभी हम लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या कि समन्वय समिति को जो हम लोगों ने मिल के बनाया है, तो फिर उसके जो निर्णय हैं वो हम सब के लिए लागू होगा, क्योंकि समन्वय समिति सभी संगठनों के द्वारा एक संचालित होने वाला, समन्वय स्थापित होने वाला, एक रूपता में लाने के लिए इस कमेटी की गठन की गई। लेकिन कुछ शिक्षकों का जो मांग लगातार होता रहा है कि नियोजित शिक्षक में से ही कोई समन्वयक बने, समन्वय समिति का अध्यक्ष बने, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे संगठन के जितने भी नेतृत्वकर्ता हैं, कोई भी अपने आप को छोटा समझने को तैयार नहीं है। सभी अपने अपने आप को अपने को बहुत बड़ा संगठन, पूरे बिहार को नेतृत्व करने वाले संगठन, पूरे 4 लाख शिक्षकों को नेतृत्व करने वाला संगठन बताते हैं। ऐसे में उन्हें छोटा कह देने से उनको दिल को धक्का लग जाता है। ऐसे में वो बहुत सारे बातों को लेकर के आम शिक्षकों को ही गाली देना शुरू कर देते हैं। ये आम धारणा है, ये जनरल देखा गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा गया है। संघों के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, उन लोगों का रोल कभी कभी संदेहास्पद हो जाता है। कभी आप मीटिंग में आते हैं, कभी नहीं आते हैं, अपने नहीं आने को भी तर्कपूर्वक उसको सही बताते हैं, आते हैं तो भी अपना एहसान जताते हैं। तो इन सारी बातों को लेकर के हम लोग समान कम समान वेतन का लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। अगर यही स्थिति रही तो बिहार सरकार जिस तरीके से 20% का लॉलीपॉप दिखाया है, उसी से संतुष्टि करना पड़ेगा। अगर हमारी स्थिति यही रही तो हम अपने आप को कहते हैं शिक्षक राष्ट्र निर्माता,
लेकिन हम ऐसे नेतृत्वकर्ता का चयन करते हैं जो हमारे लिए गलत नीतियों का निर्धारण करते हैं, जो हमारे लिए समान कम समान वेतन पाने का इच्छा उनके अंदर नहीं है। कहीं ना कहीं वे राजनीति करते हैं, कहीं ना कहीं आंदोलन को कमजोर करने में इन्हीं लोगों का हाथ है। आप हम सभी लोग उसको देख सकते हैं। अब उनके तर्क अपने हो सकते हैं, सभी लोग अपने अपने तर्क के अनुसार वो उसको साबित कर देते हैं कि हमें सही था, लेकिन मेरे समझ से कहीं ना कहीं उनकी जो दबी हुई ख्वाहिशें हैं, दबी हुई इच्छाएं हैं, वे सामने नहीं आ पाती हैं। लेकिन अंदर ही अंदर उन सबों की यही मंशा है कि अगर 4 लाख शिक्षकों को समान काम समान वेतन अगर मिल गया तो फिर ये शिक्षक किसी संगठन को नहीं पूछेंगे, और इसके कारण वे लोग नहीं चाहते हैं कि संगठन के द्वारा समान काम समान वेतन मिले, क्योंकि जैसे ही अगर समान काम समान वेतन मिल जाएगा आम शिक्षकों के नज़र में, आम शिक्षकों के नज़र में कोई बड़ी समस्या रह नहीं जाएगी। ऐसे में कोई आंदोलन करने के लिए, फिर राजनीति करने के लिए मुद्दे नहीं बच जाएंगे। तो ऐसे में शिक्षक संगठनों का अपना अस्तित्व खतरा में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और इसी वजह से वे नहीं चाहते हैं कि आंदोलन को सफल बनाया जाए। दोस्तों, मैं शिक्षक संघर्ष समिति के बारे में विशेष नहीं कहूँगा, उस मीटिंग में मैं भी कई बार गया हूँ। वहाँ पर रिकॉर्डिंग करना बैन किया हुआ था, किसी भी तरह का वहाँ का जो चर्चा है उसे बाहर की ओर प्रचारित प्रसारित नहीं करना होता था। लेकिन मैं पिछले मीटिंग का जब वीडियो देखा हूँ तब से मुझे लगा कि मुझे भी इन सब बातों पर बोलना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बिहार के जितने शिक्षक तमाम संगठनों पर, चाहे वो जिस संगठन से भी जुड़े हुए हैं, अपने अपने संगठनों पर जो विश्वास रखते हैं, उनके नेतृत्वकर्ता वहाँ किसी न किसी रूप में, चाहे वह स्वयं या प्रतिनिधि रूप में होते हैं। लेकिन वहाँ की जो स्थिति मैंने कई बार देखा है, अगर उसका आकलन किया जाए तो अभी भी विभिन्न संगठन अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई, अपने अपने को बड़ा साबित करने के लिए करने की लड़ाई, और हमारा महत्व सबसे ज़्यादा है उसका महत्व बताने की लड़ाई वहाँ चलती रहती है। आम शिक्षकों के साथ क्या होना है, आम शिक्षकों को उससे क्या मिलेगा, आम शिक्षकों को उससे क्या उसका परिणाम होगा, इन सारी चीज़ों पर चर्चाएं कम होती हैं, और अपने अपने संगठनों की जो वाहवाही लूटने की बात होती है उन्हें बढ़ चढ़ करके हुए सारे लोग अपने अपनी बातों को रखते हैं। मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया हूँ कि समन्वय समिति को जब हम लोगों ने ही चुना है, उसके समन्वयक को हम लोगों के द्वारा ही, जो संगठन है उनके द्वारा ही एक समन्वयक भी नियुक्त किया गया, हालांकि वो नियुक्त नहीं किए गए हैं, लेकिन सबसे सीनियर होने की वजह से, क्योंकि अपने आपस में ही जितने नियोजित शिक्षक संघ हैं आपस में तालमेल नहीं होने की वजह से, हम जिसको एक गार्जियन के रूप में जिनको माने हैं, अगर मान लिए हैं तो उनके बातों को, उनके आदर्शों को, उनके आदेशों को लेकर चलना हमारा फर्ज बनता है। लेकिन मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर जिस दिन ब्रजनंदन शर्मा जी के द्वारा आंदोलन को वापस करने की जो घोषणा की गई, उसमें सिर्फ उनका निर्णय नहीं था, बल्कि उसके पीछे जो उनसे जुड़े हुए लोग थे, समन्वय समिति में जो जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों का भी निर्णय उसमें सम्मिलित था। ऐसे में ब्रजनंदन शर्मा जी को बिका हुआ कह देना, वे बिक गए, सरकार से बिक गए, इस तरीके का बहुत सारा बात सामने निकल कर के आया, जो किसी
भी रूप में वह सही नहीं था। मैं यह कहता हूं कि आज तक ब्रजनंदन शर्मा जी का जितना भी डिसीजन उनके द्वारा कहा गया, बोला गया, क्या उसमें विभिन्न संगठनों के निर्णय शामिल नहीं थे? अगर शामिल थे तो बिका हुआ कहा जाएगा तो मैं सभी संगठनों को बिका हुआ मानूंगा। पुनः निर्णय लिया गया कि नहीं आंदोलन किया जाएगा। अब मैं ये यहाँ पर भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर निर्णय यहाँ हुआ कि आंदोलन होगा तो इसमें भी विभिन्न संगठनों के लोग बैठे थे और वहाँ उन लोगों ने निर्णय लिया था कि आंदोलन होगा। शब्द बिल्कुल जो वाणी है जो मुख से निकला वो ब्रजनंदन शर्मा के मुख से निकला, ये बात सही है, लेकिन उस निर्णय में उस समन्वय समिति के सदस्यों का भी निर्णय शामिल है जो उस दिन की बैठक में थे। तो फिर एक ही आदमी पर दोषारोपण कर देना कि अमुक आदमी ने संगठन को बेच दिया, यह कहीं से भी बोलना उचित नहीं है। अगर कोई आदमी इस चीज को बोलते हैं तो बहुत ही गलत बोलते हैं। दोस्तों, समन्वय समिति बहुत मुश्किल से बनी है और इसे तोड़ने के लिए मैं संगठन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये आप हम सभी लोग देख रहे हैं किसकी मंशा क्या है, किसकी मंशा कितनी साफ है और किसकी मंशा कितनी गंदा है, गंदगी से भरा हुआ है, आप उसको देख रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर के आप फेसबुक, व्हाट्सएप या जहां भी जिस माध्यम से भी जानकारी आपको मिलती हो, आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति इसमें की जा रही है। समन्वय समिति को किसी तरह से तोड़ने की साजिश की जा रही है और इसके पीछे कुछ शिक्षक नेतृत्वकर्ता, मैं उन सारे नेतृत्वकर्ताओं की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि कुछ ऐसे नेतृत्वकर्ता हैं जिनकी रोजी रोटी इन्हीं नेतागिरी की वजह से चलती है। वैसे नेताओं का इच्छा नहीं है कि समन्वय स्थिति बनी रहे और ये आगे चले। समन्वय समिति होने से कुछ लोगों की दुकानदारी मंदी के दौर से गुजर रही है, जिस वजह से वे नहीं चाहते हैं कि आगे भी समन्वय समिति कार्य करे। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं कुछ बातों को प्रकाश में डालना चाहता था, आप लोगों के बीच लाना चाहता था, उन बातों को आप लोगों के बीच मैंने रखा है। तो मैं उन सारे लोगों से निवेदन करता हूं कि इन सारी बातों को त्यागिए और आम शिक्षकों के लिए शिक्षक राजनीति को गंदा नहीं करते हुए, उसको दूषित नहीं करते हुए आम शिक्षकों के लिए अपने कार्य को समर्पित कीजिए, ताकि आम शिक्षकों के बीच आपकी जो छवि है, जो छवि बनाने में बहुत समय लगता है, वह हमेशा बनी रहे। तो इसी विश्वास के साथ मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम शिक्षकों के साथ, नेतृत्वकर्ताओं को, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो उसे के लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन इस पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।